goes to Michelin.
बाद आपने मुंबई में एंट्री ली है, कहा जा रहा है कि एक बड़ी फिल्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आए, गाने को प्रमोट करने आए, सब कुछ बताइए। मुंबई आपने सही कहा, बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ, मगर उससे पहले बहुत ज़्यादा आया हूँ, पिछले 20 साल से काफ़ी आया हूँ। मुंबई इज़ अ वेरी वाइब्रेंट सिटी, फुल ऑफ एनर्जी, खुशी होती है हमेशा जब मैं मुंबई में आती हूँ। और इस बार एक विशेष कार्यक्रम के लिए आए हूँ, राजेश चौधरी जी, जिसने एक वीडियो सॉन्ग नेपाल में शूटिंग किया है, बहुत अच्छे तरीके से शूटिंग किया है। हिंदी सॉन्ग है, अगर नेपाल के बारे में बोल है, नेपाल का प्रशंसा कर रहा है, बहुत अच्छा हुआ है। राजेश चौधरी जी के गेस्ट हैं, हम उनके म्यूज़िक वीडियो को हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उसी के लिए आए हुए हैं। और बहुत जल्द सर एक हिंदी गाने में भी आएंगे, हिंदी सॉन्ग में, और कुछ हिंदी फिल्म भी प्लान कर रहे हैं सर के लिए, तो ज़रूर आप लोग सर को देखेंगे बड़े पर्दे पे भी। सर बॉलीवुड में किसके फ़ैन हैं आप, मतलब किसे सर? सबके फ़ैन हूँ, कितने अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, नहीं? और सबके बाप तो अमिताभ बच्चन है, इसका तो फिर क्या कहना। और खुशी होती है क्योंकि ये मुंबई शहर जो है वो फिल्म का शहर है, तो जितने भी लोग फिल्म से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, जब मुंबई आते हैं तो उसके दूसरा एनर्जी आ जाता है, अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राइट, Gracias.